याद रखिए, कांग्रेस, सपा, बसपा ने हमेशा लोगों को आपस में जात पात पंथ के नाम पर भिड़ाया, सिर्फ अपना और अपने परिवार का विकास किया है। इन पार्टियों के जितने भी बड़े चेहरे हैं, कुछ दशक पहले उनकी स्थिति क्या थी याद रखिए, आज वो कैसी आलीशान जिंदगी जी रहे हैं ये भी देखते रहिए। भाइयों बहनों, आपके सामने ये जीता जागता उदाहरण है। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह के आया हूं और गुजरात जैसे समृद्ध राज्य का मुख्यमंत्री रह के आया हूं। 5 साल से आपने प्रधान सेवक के रूप में काम दिया है। 18 साल बहुत लंबा समय होता है। इस व्यक्ति के ऊपर एक दाग लगा है क्या? एक दाग लगा है क्या? कहीं मेरे संपत्ति की चर्चा हो रही है क्या? मेरे कोई फार्म हाउस की चर्चा हो रही है क्या? विदेश में मेरे कोई बंगले की चर्चा हो रही है क्या? मैंने अपने परिवार के लिए कुछ किया हो चर्चा हो रही है क्या? मेरे भाई भतीजे को बड़ा किया ऐसी कोई चर्चा हो रही है क्या? 2 साल 5 साल मौका मिल जाता है, पूरे रिश्तेदार रातों रात माला माल हो जाते हैं। ये पैसे गरीबों के होते हैं, ये पैसे ईमानदार लोगों के होते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूं तो मेरे गरीब भाइयों के हकों के लिए लड़ता हूं। अगर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूं तो मैं देश के ईमानदारों के लिए सामने एक दीवार बन के उनकी मदद करने के लिए खड़ा होता हूं। भाइयों, आज पूरा देश मोदी को क्यों प्यार करता है? आज धूप में खड़े रह करके आप मोदी को आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? भाइयों बहनों, देश जिस ईमानदारी की तलाश में था, देश जिस समर्पण की तलाश में था, मोदी ने देश की भावना को समझा है और उसको जीने के लिए अपना जीवन लगाया है। और इसलिए भाइयों बहनों, और उनको परेशानी यही है कि मोदी को कुछ होता क्यों नहीं है। अरे मोदी को कुछ नहीं होगा, ये 130 करोड़ देशवासी दीवार बन के खड़े हैं। भाइयों बहनों, 2 दिन पहले ही मीडिया ने खुलासा किया है कि कैसे कांग्रेस के नामदार ने, ये खेल समझिए दोस्तों, ये बड़े चाव से अमेठी और रायबरेली पकड़ के बैठे हैं, कैसे खेल खेले हैं मैं कच्चा चिट्ठा निकालना चाहता हूं। ये कांग्रेस के नामदार ने अपने ही बिजनेस पार्टनर को, अपने ही करीबी दोस्त को रक्षा सौदे दिलवाए। इन नामदारों को कभी ये ध्यान नहीं रहा कि कभी गरीबों को घर दिलवा दे, उनके लिए शौचालय बनवा दे, उनके घरों में बिजली कनेक्शन लगवा दे। इन नामदारों ने गरीबों की जरूरतों की कभी परवाह नहीं की, लेकिन अपने बिजनेस पार्टनर की ये
लंदन से लेकर दिल्ली तक ये चक्कर काटते रहे, दौड़ते रहे। अब इसलिए ही उनके अपने क्षेत्र के लोगों ने उन्होंने वहां से भगाने पर मजबूर कर दिया है।